आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा और ये NOPNOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो MA फर्स्ट ईयर का पार्ट पेपर थर्ड का क्वांटिटेटिव मेथड का ये क्वेश्चन नंबर 9 जो ईयर 2021 में पूछा गया है जिसका स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है 23 में जो एग्जाम होगा। तो इसमें इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कैसे मीडियन का और मॉड का कैलकुलेशन होता है। ये क्वेश्चन कैरी करेगा 20 मार्क्स, ठीक है। तो वीडियो को देखें, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ समझने की कोशिश करना एक चीज़ कि थोड़ा बहुत बच्चे लोग मिस्टेक कर देंगे कि ये फ्रीक्वेंसी समझ जाएंगे, तो नहीं वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है मीडियन एंड मोड, जो मीडियन को माधिका कहा जाता है माधिका और मोड को कहा जाता है बहुलक बहुलक, ठीक है। ये आपको फॉलोइंग डेटा से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देने दिया है मार्क्स बिलो, यानी बिलो का मतलब होता है नीचे, यानी मार्क्स जो भी होगा जैसे बिलो 10 यानी 10 के नीचे 9 तक होगा, बिलो 20 19 तक होगा। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो है 0 से 10, यही चीज को हम लिख सकते थे जब अभाव रहता तो 0 से 20, क्योंकि 20 के नीचे हमको रखना है, लेकिन यहां पर बिलो है तो 0 से 10, 10 से 20, ये क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। ये लोअर लिमिट कहलाएगा, दूसरा वाला अपर लिमिट, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60, ये लिखने का तरीका है। बिलो है तो 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, इस तरह जाना है आपको। और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखना है, बिलो है इसलिए। ठीक है, ये जब आप लिख लीजिएगा तो, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं समझिएगा, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एडअप्स है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, जिसको हम सीएफ कहा जाता है, हिंदी में इसको संचयी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, बारंबारता जो भी होता है। कैसे इसके सीएफ में है यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, चूंकि देखिए यहां पर लगातार बढ़ते जा रहा है, 5, 19, 48, 69, 94, 115, 115, 122, 147 and 150, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ेगा घटेगा ऐसा होना चाहिए। तो सी एफ जैसे एज इट इज आप लिख दो 5, 19, 48, 69, 94, 115, 125, 132, 147, 150। अब हमको सी एफ फ्रीक्वेंसी निकालना, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहला वाला एज इट इज रहेगा 5, अब इसमें 5, 19 माइनस 5 तो आ जाएगा आपका 14, अब इसमें क्या है, इसमें फिर 19 घटा दो, एक घटाते जाएंगे नीचे वाला तो निकल जाएगा, देखो कितना 18 में 9 गया, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर चुके हैं 9 होगा, ठीक है, 29 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या, फिर अगेन हम इसमें 48 में घटा देंगे, 69 माइनस 48 करेंगे तो 21 होगा। तो इसी तरह आपको सिमिलरली करते जाना है, मैंने कैलकुलेशन कर चुका हूँ तो थोड़ा सा समय की मर्यादा को रखते हुए हम इसको लिख लेते हैं, 21, 10, 7, 15, 3। अब इसको जब भी जोड़ेंगे, अगर ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेट इज 150 आना चाहिए, लास्ट वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, तो जोड़ते हैं 5, 4, 9, 9, 9, 18, 19, 19, और 5, 24, 25, 7, 32, 5, 37 और 3, 37 और 3, 40, 40 का 0, carry 4, 4 लिख लेते हैं, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11 और 4, 1, देखो एग्जैक्टली 150 आ गया। अब हमारा काम क्या है,
हम इसको मीडियन कैलकुलेशन करेंगे और मोड का करेंगे। तो आप तो आसानी से कर सकते हैं। तो मीडियन, तो सबसे पहले मीडियन का करते हैं। आप आपका काम ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर काम है ज़्यादा। तो मीडियन का कैलकुलेशन कैसे होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में? मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ एन पाई टू आइटम्स, ठीक है, आइटम्स। तो लिखेंगे साइज ऑफ एन बराबर कितना हो गया, यही एन है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेट इज द एन 150। तो 150 बाई टू आइटम्स, ठीक है। तो ये आ गया साइज ऑफ 75th आइटम। अब आपको देखना है कि कौन सा क्लास इंटरवल में जाएगा, इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा सीएफ का, ठीक है, सीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो सीएफ का आपको देखिए, यहाँ सीएफ है, तो देखिए आपका 75 आया। तो 6 जैसे हम कल भी बताए थे कि आपको 75 आदमी को रखना है कहीं पर, तो आप हमेशा ऐसा सीएफ लेना कि लेस देन नहीं लेना है, उससे बड़ा वाला लेना है। तो आप जाहिर सा बात है कि 75 आदमी को प्रत्येक को एक एक कैमरा कमरा देंगे तो 69 रूम वाला बिल्डिंग में नहीं रहेगा, लेकिन 94 वाला नेक्स्ट उसका वाला 94 में रहेगा और कुछ रूम बच भी जाएगा, तो आराम से रहेगा। तो उसी में लगाना है। देखिए 75 इसमें नहीं घुसेगा, लेकिन इसमें घुस जाएगा 94 में, ये नहीं कि इधर घुस जाना 115 में, उसका जो नियरेस्ट होगा 75 का। तो हम देख रहे हैं आपका इसमें एडजस्ट करेगा, तो इसका जो लिमिट्स है लोअर लिमिट 40 हो गया। इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। अब सारा चीज निकाल लीजिए, L1 इक्वल टू 40 हो गया। कैसे 40 हुआ हम यहां देखेंगे, 94 में एडजस्ट किया हमारा क्लास इंटरवल 40 to 50 है, तो लोअर लिमिट हमारा 40 होगा, दूसरा लिमिट तो अपर लिमिट होता है। उसके बाद n by 2 इज द 75। कैसे n by 2, देखो 75 निकाले यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो इसके सीध में कितना है 25, एफ है 25 लिख दिए। उसके बाद आई यानी इंटरवल कितना का है, इंटरवल का मतलब देखो डिफरेंसेस कितना है, देखो 10 से 20 होने, प्रत्येक क्लास इंटरवल में 10 का डिफरेंसेस है, वो लिख देना है। सारा चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 40 प्लस 75 माइनस सी एफ आपका कितना निकला था, इसके ऊपर वाला लेना है सी एफ, जो सी एफ हम छोड़ दिए यहाँ पर, सी एफ हमेशा वो सी एफ लेंगे जिस सी एफ के जस्ट ऊपर प्रीसीडिंग वाला लेंगे 69 होगा, तो माइनस 69। एफ आपका है, एफ कितना है भाई, एफ 25 और ये 10, ठीक है। तो फोर्टी अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोग करिएगा, तो 6 आएगा, 6 by 25, जब 75 में हम 69 को घटा देंगे इंटू 10, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 40 प्लस ये 60 by 25, और ये 40 प्लस 60 को 25 से हम देंगे 2.5 आएगा, 2.5, तो 42.5 इज द मीडियन। अब हम दूसरा चीज का कैलकुलेशन करेंगे मोड। तो मोड का मतलब होता है फंक्शन, जो आइटम सबसे ज्यादा अपीयर होता है फ्रीक्वेंसी में वही मोड है, ठीक है। कल भी हम बताए थे जो फैशन में ज्यादा चला है, तो उसी को मोड का मतलब ही होता है फैशन। तो बाय इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि इसमें मोड कौन है, ये हमारा कौन सा इंटरवल, तो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है। तो हमारा 29 आपको हमको दिख रहा है, ठीक है, और भी देख लीजिए 29 से हम जा रहे हैं नीचे 21 है, ठीक है, 10 है, 7 है, 15 है, 9 है, तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी हमको दिख रहा है, लेकिन 29 इज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 29 है, तो यानी इसका मोड का जो इंटरवल होगा हमको पता चल चुका है। तो देखेंगे वहाँ 25, वहाँ घेराबंदी करो, 29 है तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी आपका ये है 29, तो इसका घेराबंदी कर दिए कि किस क्लास इंटरवल में जा रहा है। देखो यहाँ से ये क्लास इंटरवल होगा 20 से 30, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मोड को वो लिख लेते हैं, मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई।
ये मोड का फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको सारा चीज देखना है, तो L1 का वैल्यू आपका क्या आया, जिस लिमिट में आ रहा है, तो इसका लोअर लिमिट 20 है, तो 20 मैंने लिखा। उसके बाद आपको F1, अब F1 कौन सा होगा यहां ध्यान दीजिएगा, फिर फ्रीक्वेंसी मांगे, यही F1 होता है। F1 ये होगा प्रीसीडिंग वाला F0, और इसके सक्सेसिव जो होगा F2 होगा, तो तीनों आप एक साथ देख सकते हैं। तो F1 बराबर 29, F0 बराबर 14 और F2 बराबर हो गया आपका 21, ठीक है, हो गया सारा चीज हो गया। और I बराबर 10 है, उसमें जो सेम होगा सब में 10 का डिफरेंसेस है क्लास इंटरवल में। अब ये फार्मूला में सेट कर दो सबको, 20 प्लस F1, तो F1 29 माइनस F0 14, 2 टाइम्स 29 माइनस 14 माइनस 21 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर दो, बस वही मॉड निकल जाएगा। तो हमने कैलकुलेशन की सुविधा थोड़ा समय बताने के लिए करके रखे, 29 में 14 को करेंगे तो 15 होगा, यहाँ पर इसको करेंगे 58 और ये दोनों को ऐड करेंगे 35 होगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, हम कैलकुलेशन वीडियो को शॉर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसको 15 होगा, ये गुना हो जाएगा 150, और इसको घटाइएगा तो आपको होगा 23, ठीक है। तो 20 प्लस 150 को 23 से हम डिवाइड करेंगे तो 6.52 होगा, 6.52, और इसको ऐड करेंगे 26.52, यही है मोड। तो यहाँ पर मीडियन और मोड का कैलकुलेशन करना था, और मीडियन करिएगा 10 मार्क्स कैरी करेगा, मोड कर दीजिएगा तो 10 मार्क्स इसका इंडिपेंडेंटली, तो दोनों का अगर कर दीजिएगा 20 मार्क्स करेगा, और इट इज़ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर 2023। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक और ऑल द स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, जय हिंद।